man that we need to mention, and the only man from the non-film industry, the television industry that I've included and we have included in the book is Kernel Kapoor. Of course, if it wasn't for him, I would not have even thought that I can act on screen. और उनके साथ कभी अजीब सा किस्सा था, हम उनके जो सन इन लॉ थे वो हमारे लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे दिल्ली में. एंड जब हमारी माँ ने घर देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, वो देख ले तो हम कंफर्म कर लेंगे. माय फादर एक्सपायर्ड, वी नीडेड अ स्मॉल हाउस. सो ही सेड, कहाँ है आपका बेटा? इसे एक्टिंग करने गया है. तो मैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ सीरियल बना रहे हैं तो उनको कहो वहाँ पर आके एक्टिंग कर लें. सो आई वेंट देयर एंड मैंने ऑडिशन किया और कर्नल कपूर साहब ने मुझको जो रोल दिया था बड़ा स्वीट सा था. पूरे फौजी सीरियल के अंदर मेरा रोल था कि मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझको जो कर्नल थे वो बोलते हैं, जो कर्नल थे उस वक्त, कि जाओ और उस पेड़ पर गिन कर आओ कितने कौवे हैं. तो मैं भाग के जाता हूँ और मैं कहता हूँ चार कौवे हैं. ठीक है जवान, अब सावधान. और मेरा पूरा सीरियल में ये रोल था. तो मुझको बहुत अजीब लगा यार. और मेरे को लगा यार मैं कैसे आके अपने घर वालों को बताऊंगा कि मैं कौवे गिनने का रोल कर रहा हूँ. और यही रोल है मेरा. एंड मेरी बहुत चीज़ें लक की वजह से भी हुई, तो मैं उनको भी बहुत श्रेय देना चाहूँगा. तो मैं जब वापस आया, उनके बेटे जो थे लीड रोल कर रहे थे अभिमन्यु राय का, बट वो कैमरा भी कर रहे थे, सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे थे. एंड सडनली ही डिसाइडेड उनसे दोनों काम नहीं होंगे. सो कर्नल कपूर को कोई और एक्टर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि सो आई बिकेम अभिमन्यु राय ओवरनाइट. एंड आई डिड दैट एंड इट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट, अगेन लाइक अ फैमिली, ही ट्रीटेड मी एंड लव्ड मी अ लॉट. And all of them have loved me like family. So I want to thank them all. And I want to say this, and I'm not saying it with false humility or modesty. I genuinely, genuinely feel maybe the goodness I still have at the age of 51 is a carryover from what I've learned from all these wonderful men and women in my life.